नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ऊहल तृतीयपन विद्युत परियोजना की। ये ऊहल तृतीयपन विद्युत परियोजना जो है अभी चर्चा में चली हुई है। चर्चा में क्यों चली हुई है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था जिससे जो है हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को जो था वो करोड़ों का नुकसान हुआ था और 30 लोग यहाँ पर फंस गए थे। अप्रोक्सीमेटली 30 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी किया गया, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यहाँ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और कर्नल बीसी बेटी का क्या ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले ऊहल परियोजना के बारे में जानते हैं। देखिए ये ऊहल तृतीयपन विद्युत परियोजना जो है ये 100 मेगावाट की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 100 मेगावाट की ये परियोजना है और ये जो है ये जोगिंदरनगर के समीप स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसको बनाया गया है इसके द्वारा, और ब्यास वैली प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन इसको रन कर रहा है। ये याद रखिएगा, इसमें 3 टर्बाइंस हैं इसमें टोटल, और हर एक टर्बाइन जो है वो 33.3 मेगावाट का है। ये इम्पॉर्टेंट है चीज़ याद रखने के लिए, 33.3 मेगावाट का हर एक टर्बाइन है और पूरी कैपेसिटी इसकी है 100 मेगावाट। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो थे वो कर्नल बीसी बेटी के द्वारा जो था वो डिज़ाइन किए गए थे, इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे। उन्होंने क्या किया था, ऊहल परियोजना, ऊहल का नदी का पानी जो था उसके ऊपर सानन परियोजना उन्होंने डिज़ाइन की थी। उन्होंने जो था वो 5 प्रोजेक्ट बनाने के सपने जो था वो देखे थे कि 5 तरह के प्रोजेक्ट वो बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जोगिंदरनगर पठानकोट जो रेलवे लाइन है उसको उन्होंने तैयार करवाया। तैयार इसलिए उस प्रोजेक्ट उस रेलवे ट्रैक को करवाया गया ताकि जो था जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके पठानकोट से लेकर जोगिंदरनगर तक। और उसी लिए ये जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे ट्रैक बनाया गया है। इस ट्रैक के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, परंतु पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो ये प्रोजेक्ट जो है जोगिंदरनगर में बनाया जा रहा है, सानन परियोजना यहाँ पर बनी हुई है। अगर सानन परियोजना के बारे में आप देखेंगे, देखो सानन परियोजना जो था वो 1932 में कमीशन हो गई थी। ये जो था ये सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का। इन टर्म ऑफ मेगावाट अगर आप देखेंगे तो है ये जोगिंदरनगर में स्थित है। और कुछ और अगर इसके बारे में जानेंगे तो कर्नल बीसी बेटी ने अपनी टीम के साथ और जोगिंदरनगर के राजा के साथ इसको मिलकर डिज़ाइन किया था। विकिपीडिया के अनुसार जो है वो करण सेन उस टर्म जोगिंदरनगर के राजा थे जब ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। और उसके बाद अगर बात करें सानन प्रोजेक्ट की, तो ये पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा रन किया जाता है। जितनी भी यहाँ से इनकम होती है वो सभी पंजाब सरकार के पास जाती है। और इस प्रोजेक्ट को जो था, ये प्रोजेक्ट है तो हिमाचल प्रदेश में, परंतु 2099 ईयर्स के लिए इसको लीज पर दे दिया गया था, पट्टे पर दे दिया गया था। और ये लीज़ जो है 2024 में कम्प्लीट होगी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि ये कब लीज़ जो है इसकी ख़त्म होगी और कितने वर्षों के लिए इसे लीज़ में दिया गया था, कर्नल बीसी बेटी कौन थे, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है। तो अगर आप जानेंगे इस परियोजना के बारे में, सानन परियोजना के बारे में भी, तो 1926 में इसको स्थापित किया गया था और 1932 में इसको कमीशन किया गया था। ये दो चीज़ें याद रखने के लिए हैं। और ये परियोजना जो है 1933 में लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा इसका उद्घाटन जो था वो किया गया था। सानन परियोजना के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये ऊहल परियोजना के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज सानन परियोजना के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं थी। जो ऊहल परियोजना के बारे में चीज़ें याद रखने लायक हैं वो आपको बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है, कितने मेगावाट का है, कितने टर्बाइन है, हर एक टर्बाइन की कितनी कैपेसिटी है, और ये ऊहल जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएंगे कि ऊहल जो है वो किसकी सहायक नदी है। अच्छा ये तो हो गया ऊहल के बारे में, सानन परियोजना के बारे में। यहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ी, वो थी जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। तो जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन जो था वो इसीलिए तैयार की गई थी ताकि ये प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट को जो था जोगिंदरनगर पठानकोट का जो प्रोजेक्ट था 1926 में स्टार्ट किया गया था 1926 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1929 में इसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था। ये दो चीज़ें आप याद रखिए। इसमें जो था वो 993 टनल है इसमें, और 993 ब्रिजेज हैं इसमें, पुल हैं इसमें, और 2 इसमें टनल हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए। अब देखो हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में
जितने भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे ये ऊहल परियोजना हो गई, सानन परियोजना हो गई, ये ट्रैक हो गया आपके कालका शिमला हो गया, जोगिंदर नगर पठानकोट हो गया, ये सभी जो है ये ब्रिटिश सरकार की देन है। ब्रिटिश सरकार ने इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की थी। अगर आप शिमला की बात करेंगे तो शिमला में जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं वो सभी बिल्डिंग्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही डिज़ाइन की गई हैं। अब इनको डिज़ाइन तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है, परंतु एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अगर हम लोग हिमाचल के लोग इसमें कॉपरेट नहीं करते तो इस परियोजना को बनाना मुश्किल था। उदाहरण के तौर पे आपको पता है कि जब कालका शिमला रेलवे लाइन बना था तो बाबा बालकू राम जो थे चैल के, उन्होंने जो था अंग्रेज़ों को बताया था कि यहाँ से ट्रैक निकल सकता है। वो छड़ी लेकर खुद चले थे और उन्होंने मार्गदर्शन अंग्रेज़ों का किया था, तभी जाकर कालका शिमला रेलवे। और इस तरह की कहानियाँ जो हैं हमारे हर एक प्रोजेक्ट के पीछे हैं, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक योजना, हर एक बिल्डिंग हमारे हिमाचल के लोगों के कॉपरेशन के द्वारा ही बनी है। बेशक इसके पीछे दिमाग जो था वो ब्रिटिश सरकार का था, परंतु मेहनत जो थी वो किसकी थी, मेहनत जो लेबर था वो था हमारा इंडियंस का, हम हिमाचलीज का, तभी ये जाकर कंप्लीट हो पाया। तो ये हमने ऊहल परियोजना के बारे में जाना, कॉर्नल बीसी बेटी के बारे में जाना, सानन परियोजना के बारे में जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।